वेलकम कक्षा 8 की विज्ञान विषय पढ़ रहे हैं। तो जो हमारा 4th चैप्टर है धातु अधातु, उसका ये पार्ट नंबर 4 है। तो पीछे हमने पढ़ा कि धातु और अधातु की रासायनिक अभिक्रिया या उनके गुणधर्म, उनका पहला पार्ट किया था कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की ऑक्साइड बनाते हैं धातु और अधातु, तो उनके बारे में हमने पीछे पढ़ लिया था। अब बात आती है अगला 2 नंबर टॉपिक रासायनिक अभिक्रिया में, वो है H2O यानी जल के साथ अभिक्रिया के साथ। अब धातु अधातु की जल के साथ अभिक्रिया, किसकी? धातु और अधातु की जल के साथ अभिक्रिया। हाँ, हमें जल के साथ धातु की अभिक्रिया करानी है। धातु प्लस जल दोनों अभिक्रिया की, तो बन जाएगा धातु हाइड्रोक्साइड। और हाइड्रोजन गैस, गैस के चिन्ह है ये, गैस के लिए। तो ये हाइड्रोजन गैस बन जाएगी H2 गैस। धातु जल की अभिक्रिया की धातु ऑक्साइड। अब धातु ऑक्साइड जो सोल्यूशन होगा, विलयन होगा, वो जल में ही होगा। तो अब इसकी नेचर कैसी होगी, क्षारीय होगा, अम्लीय होगा, ये जानना जरूरी है। तो हमने क्या किया, 2 लिट्सम पत्थर थे हमारे पास, लाल लिट्सम पत्थर, नीला लिट्सम पत्थर। पहले नीले लिट्सम पत्थर, लाल लिट्सम पत्थर को ले जाते हैं तो क्या हो जाता, लाल लिट्सम पत्थर का रंग चेंज हो जाता और क्या हो जाता है, नीला हो जाता। क्या हो जाता है, नीला। नीला लिट्सम पत्थर ले जाते हैं तो क्या होता है, रंग नहीं बदलता। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो धातु ऑक्साइड है, हमने देखा कि अनिल नाम अमल नीले को लाल कर देता है, लेकिन जो लाल को नीला करेगा वो क्या होगा, क्षार। लाल को नीला कर रहा है तो सो कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, क्षारीय, क्षारीय हो जाएगा। हमने देखा धातु जल से अभिक्रिया करेंगे, धातु ऑक्साइड बनाएंगे हाइड्रोजन गैस। ये जो हाइड्रोगन ऑक्सीजन गैस है, इसके पास जलती हुई मोमबत्ती ले जाएंगे तो क्या आएगी, पॉप की आवाज़ आएगी, जो हमें बता दे कि जो निकलने वाली गैस है वो क्या है, हाइड्रोजन गैस। अब सिंपल उदाहरण है, वो बात आती है सोडियम धातु की। सोडियम धातु हो गया हमारा, पोटेशियम धातु हो गया, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये धातु है प्रमुख रूप से। ये धातु है, जल से क्रिया करेंगे तो धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। तो ये सोडियम है तो क्या है, अत्यधिक सक्रिय है, ठीक, सक्रिय है, अधिक सक्रिय धातु। तो सोडियम एक अति सक्रिय धातु है और यह ये क्या, सक्रिय है, अभिक्रिया के लिए ज़्यादा अनुकूल है। तो ये सक्रिय है, तो ये जो ऑक्सीजन गैस है और हमारा जल है, इसके साथ क्या करेंगी, तेजी से अभिक्रिया करेगी। क्या है, तेजी से अभिक्रिया करेगी। अब तेजी से अभिक्रिया करेगी, अत्यधिक तेजी से अभिक्रिया करेगी, तो इस अभिक्रिया में बहुत सारी अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी। क्या होगी, तेजी से अभिक्रिया होगी और इस अभिक्रिया में अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी। क्या होगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी, यानी गर्मी कह सकते हैं, गर्मी उत्पन्न होगी।
अत्यधिक उष्मा उत्पन्न होगी और ये उष्मा उत्पन्न इतनी हो जाएगी जिस पात्र में हम अभिक्रिया करवा देते हैं वो गर्म हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाएगा और वह टूट भी सकता है। तो इसलिए क्या होता है वहाँ पर, क्या हो सकता है, विस्फोट भी हो सकता है उस पात्र में, क्या है उस पात्र में विस्फोट भी हो सकता है। इसलिए इस विस्फोट को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, रोकने के लिए जो सोडियम होता है, सोडियम धातु, उसको किस में लेते हैं, किसके साथ, उसको लेते हैं मिट्टी के तेल यानी क्रोसिन में डालते हैं, मिट्टी के तेल तेल में रखते हैं, मिट्टी के तेल में रखते हैं, मिट्टी के तेल में सोडियम को रखते हैं। अब यही प्रश्न पूछा जाएगा, मिट्टी सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता, तो इसका कारण सुनना एक बार पूरा कि सोडियम अत्यधिक सक्रिय धातु या अधिक अभिक्रियाशील, अभिक्रियाशील क्या है, अभिक्रियाशील धातु है, इसलिए सोडियम ऑक्सीजन और जल, ऑक्सीजन और जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है, जिस और इस अभिक्रिया के फलस्वरूप अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है जिससे विस्फोट होने का खतरा है, जिसे रोकने के लिए हम सोडियम को मिट्टी के तेल में रखते हैं। ये बात हो, आप एक बार धातु जल से क्रिया करें हाइड्रोक्साइड बनाएंगे जो क्षारीय प्रकृति के होते हैं और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ये समझ। अब अलग अलग धातु है वो अलग अलग तरीके से जल के साथ अभिक्रिया करती है, कुछ धातु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करने के अनुकूल है, कुछ ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करने के अनुकूल है। जैसे हमारा जो टॉपिक था उसमें क्या था, अधातु भी है था। तो हम क्या करवाएंगे जल की अधातु से अभिक्रिया, अब कराएंगे अधातु की जल से अभिक्रिया। जल के साथ अधातु की, अधातु है वह क्या है, जल के साथ क्या है, कम अभिक्रियाशील है, क्या है, कम अभिक्रियाशील है, क्या अधातु कम अभिक्रियाशील, कम अभिक्रियाशील कौन है, अधातु। तो यह सामान्यतः है जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, जल के साथ अधातु की अभिक्रियाशील बहुत ही कम है, इसलिए अधातु जल के साथ, अधातु क्या है, अधातु जल के साथ सामान्यतः अभिक्रिया नहीं करती, अभिक्रिया नहीं करती। लेकिन कुछ धातु है जो विशेष स्थिति में जैसे गर्म जल के साथ या अत्यधिक गर्म जल के साथ भाप के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं, तो उनके लिए हम जो समीकरण लिखेंगे वो क्या है, इस प्रकार, जैसे ब्रोन हुआ हमारा, बोरोन धातु अधातु और एल्यूमिनियम जो धातु है, तो ये अधातु क्या होती है, जिस आपको लिख देते हैं धातु, अधातु प्लस जल क्या बनाएंगे, अधातु हाइड्रोक्साइड, अधातु हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस। लेकिन विशेष परिस्थिति में कुछ ही अधातु करते हैं, लेकिन ये क्या आ जाता है, अधातु क्या आता है, अस्थाई हो जाता है, जो इसमें चेंज हो जाता है ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। ये क्या है, कुछ ही अधातु की, तो सामान्यतः अधातु क्या करता है, जल के साथ क्या नहीं करता, विक्रिया नहीं करता, अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, जबकि अधातु वायु के साथ, अधातु जो वायु में क्या है, वायु के साथ सक्रिय, वायु में क्या है, सक्रिय। अब अधातु वायु के साथ तो अभिक्रिया कर सकता है लेकिन जल में नहीं, तो क्या है, अधातु को क्या रखते हैं, जल में रखते हैं, अधातु को किस में रखते हैं, जल में, अधातु को किस में रखते हैं, जल में रखते हैं।
एक अ धातु है वो हमारा फास्फोरस, फास्फोरस भी फास्फोरस धातु, फास्फोरस अ धातु है जो क्या है वायु के साथ क्या है तेजी से अभिक्रिया करता है, तेजी से क्या करता है अभिक्रिया करता है और आग पकड़ देता है, तेजी से अभिक्रिया करता है वायु के साथ और क्या पकड़ देता है आग पकड़ लेता है, आग लग जाती है उसमें। अब इस आग को रोकने के लिए क्या करेंगे, जो फास्फोरस है हमारा फास्फोरस उसको उसको किस में रखेंगे, जल में रखते हैं, जल में रखते हैं। क्यों, क्योंकि फास्फोरस अ धातु है, अ धातु जल के साथ बहुत ही कम क्रियाशील है यानी क्रिया नहीं करते, कुछ ही अ धातु है जो कुछ विशेष परिस्थितियों में जल के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं, क्या है कर सकते हैं। ये था हमारा टॉपिक आज का, एक बार और बता देते हैं, धातु के जल के साथ अभिक्रिया हो रहा है, धातु की जल के साथ अभिक्रिया, धातु की जल के साथ जैसे ही अभिक्रिया करवाई जाती है तो हाइड्रोक्साइड बनता है, क्या बनता है धातु की अभिक्रिया करवाते हैं तो, धातु के जल से अभिक्रिया करवाई जाती है तो धातु हाइड्रोक्साइड बनता है, धातु ऑक्साइड बनता और बनता है क्या हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस बनती है। और ये धातु ऑक्साइड कैसी प्रकृति का होता है सारी, और ये हाइड्रोजन गैस होती है जो जैसे इसके पास मोमबत्ती लाई जाती है तो पोप की ध्वनि उत्पन्न करता है जिससे हमें पता चलता है हाइड्रोजन गैस। धातु उसमें तो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती लेकिन कुछ धातु विशेष परिस्थितियों में जल के साथ अभिक्रिया कर धातु है धातु ऑक्साइड बनाते जो स्थायी नहीं होते और ये ऑक्साइड में चेंज हो जाते हैं और हाइड्रोजन गैस तो निकलती, लेकिन सामान्यतः धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते और धातुओं को धातु है जो वायु में क्या है अत्यधिक सक्रिय है, इसलिए धातु को जल में रखा जाता है ताकि वह स्थिर रहे यानी उनके अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो, ताकि वह किसी के साथ अभिक्रिया न करें। फास्फोरस को जैसे ही वायु में रखा जाता है वायु के साथ तेजी से, फास्फोरस को जैसे ही वायु में रखा जाता है वायु के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है जिससे वह आग पकड़ लेता है, और इस आग को रोकने के लिए हम फास्फोरस को किस में रखते हैं, जल में रखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक खत्म हो गया, हाइड्रोजन जल के साथ अभिक्रिया का पार्ट। अगले भाग में हम पढ़ेंगे अम्ल के साथ अभिक्रिया, क्षार के साथ हमारी अधातु धातु की अभिक्रिया के बारे में। तो आप लगातार वीडियो देखते रहें, अपनी बुक का भी अध्ययन करें।